तो चलिए आज का वीडियो इन्हीं मैरीगोल्ड पर के ऊपर होने वाला है कि छोटे सी गमले में जो कि मेरा ये जो भी प्लांट देख रही है छः इंच के गमले में लगा है और इसी गमले में हम कैसे ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं और जो मोस्टली मुझे कमेंट आ रहे हैं कि मैम आपके मैरीगोल्ड बहुत अच्छे से चलते हैं पर हमारे में कुछ ना कुछ डिजीज़ लग जाती है तो इसका क्या बेस्ट सोलूशन है तो आज इन्हीं सब टॉपिकों पर मैं बात करने वाली हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको गमला दिखाती हूँ सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको एफ़ वन वेरायटी ये देखिए ये है एफ वन वेरायटी अब ये देखिए पूरा फूल फूल जो है ये खिला भी नहीं है बहुत ही प्यारा ये F1 वन वेराइटी का जो है ये इनका वैरायटी है तो आप देख रहे हैं एक ही जो ये छः इंच का गमला है इसमें देखिए करीबन आपकी पंद्रह से सोलह कलियां हैं और कितना प्यारा बुशी प्लांट है हमारा ये और इसी तरीके से देखिए ये हमारे सारे इनका वेराइटी हैं जो कि सेकेंड लॉट मैंने लगाई है ये देखिए सब में इतनी ही कलियां आपको देखने को मिलेंगी काफ़ी हेल्दी प्लांट है और वो क्यों है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करी पहले मैं आपको व्यू करा दूँ तो ये सारी इनका वैरायटी की सीडलिंग से तैयार हुए हैं और जो ये प्लांट है जो एफ़ टू वेराइटी और थोड़ा सा ये स्मेल वाले होते हैं जो आपने मैरिज वग़ैरह में माला आ, देखी होगी या कहीं डेकोरेशन में या आ, जो भगवान को चढ़ते हैं ना उसमें खुशबू होती है वो ये वैरायटी होती है तो खुशबू अगर खुशबू वाले अगर आपको मेरीगोल्ड लेने हैं तो आपको इस तरीके की वैरायटी लेनी होगी और एक ही गमलों में मैं दिखाऊँ ये देखिए एक ही गमलों में करीबन बीस से पच्चीस फ्लावर हैं और सुबह में थोड़ा बहुत तो पूजा के लिए भी हम लोग ले लेते हैं जो कि जो स्पेंड होने वाले होते हैं उनको तो ये देखिए बीस से पच्चीस है इसमें फ्लावर रहते हैं हमेशा ही तो ये एक प्लांट है पर जो ये इनका वैरायटी होती है ना इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं होता अगर आप इसके फ्लावर को ऐसे प्लग भी करते हैं ना तो भी इसमें स्मेल बहुत बढ़िया सी आती है पर ये जो हाइब्रिड वैरायटी होती है ना इसमें स्मेल नहीं होती है तो अब हमें अगर इसकी सॉइल की बात करें तो आप ये देखिए मेरी सॉइल एकदम पोरस और बलुई मिट्टी होनी चाहिए ये देखिए इस तरीके से तो कंपोनेंट की मैं बात करूं तो इसमें फोर्टी परसेंट आपका गार्डन सॉइल है ट्वेंटी परसेंट आपकी कोकोपीट है और टेन परसेंट आपका जो है रेत है दस परसेंट ही आपका ये देखिए राइस खल है राइस खल में पाँच प्रतिशत आपका जला हुआ राइस हस्क है और द, पाँच प्रतिशत आपका नॉर्मल वाला जो बिना जला हुआ होता है और इसके बाद में जो भी बचा उसमें मेरे कंपोस्ट है अब कंपोस्ट में ही मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है नीम की खली ली हुई है और थोड़ा सा माइक्रोन्यूट्रेंट क्योंकि मेरी मट्टियाँ काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं तो उनको पुनर्जीवित करने के लिए मुझे थोड़ा सा माइक्रो की जरूरत पड़ती है तो ये तो हो गई मिट्टी की बात अब दूसरी हम इसकी बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट तो आप देख रहे हैं जब भी आप मिट्टी बनाएं तो ऐसी मिट्टी बनाएं कि आप ऐसे हाथ से छुएं तो ये टाइट ना हो एकदम पोरस मिट्टी होनी चाहिए इस तरीके से आपकी इनकी रूट्स को फैलने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और ये कोई भी सीजनल प्लांट के लिए इसी तरीके की मिट्टी आपकी बेस्ट होती है सन की मैं बात कर रही थी सन जितना ही आप इसको प्रोवाइड कराएंगे क्योंकि विंटर के प्लांट है ऑलमोस्ट टाइम तो आपके यहाँ सन विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है तो करीबन चार से पाँच घंटे की धूप इनको चाहिए ही चाहिए इवन इनके फ्लावरिंग करने के लिए भी और पेस्ट जो पेस्ट अटैक होते हैं ना उनसे बचने के लिए भी तो मेरे जो नीचे में जहाँ पे धूप थोड़ी कम आती है उस एरिया में इनको पेस्ट लगते ही लगते हैं चाहे जितना भी आप इनमें स्प्रे और प्रिकॉशन लीजिए तो वो लगेंगे ही लगेंगे इसलिए बेस्ट सोल्यूशन है कि आप इनको अच्छे से जो है धूप दीजिए तो चार से पाँच घंटे की धूप आपको इनको देना ही देना होता है उसके बाद में अब मैं फर्टिलाइज़र जो देती हूँ जब मैंने इसको पॉटिंग मिक्स तैयार किया तो काफ़ी अच्छा कंपोस्ट वगैरह दे दिया था उसके बाद में हर फिफ्टीन डेज पे जो मैं देती हूँ मैं देती हूँ देखिए छः इंच के गमलों में बस इतना सा इतना सब मैं डी जो है बस इस तरीके से यहाँ पे रख देती हूँ और पानी के साथ साथ में इनको कम जो है फ़र्टिलाइज़र मिलता रहता है मोर फ्लावरिंग के लिए आपको डी यूज़ करनी होगी मैं बहुत कम मात्रा में बहुत सारे लोग जो है सरसों की खली का फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो मैं इतना नहीं दे पाती हूँ बनाती हूँ मैं भी हूँ पर वो मैं इतना नहीं दे पाती हूँ क्योंकि इतने सारे प्लांट हैं और झुक झुक के एक एक गमलों में देने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है तो मैं बेस्ट इसी तरीके से इनको करती हूँ मैं डीएपी देती हूँ साथ में ही मैं फर्टिलाइज़र की बात कर रही हूँ तो एनपीके का स्प्रे मैं करती हूँ करीबन 15 डेज पे मैंने किया है और जब इनके बेबी प्लांट थे तभी मैंने एनपीके का जो बेबी वाला होता है जिसमें कि बीच वाला जो मिडिल पोर्शन होता है वो ज़ीरो होता है वो वाला मैं स्प्रे करती हूँ जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए जब ये फ्लावरिंग कर लेते हैं तो नॉर्मली एन पी दे देती हूँ और साथ में पैसे से बचने के लिए इंसेक्टीसाइड का 15 डेज पे स्प्रे जरूर करती हूँ और अगले फिफ्टीन डेज़ का गैपिंग या वन वीक के गैपिंग में मैं इसमें फंजी साइड का स्प्रे करती हूँ जितना भी अधिकतर मेरा फर्टिलाइज़र होता है ना वो स्प्रे के थ्रू मुझे ज़्यादा ईजी पड़ता है क्योंकि मैं एक एक गमलों में पहले थोड़े होते थे तो मैं एक एक गमलों में जो है दे देती थी अपना फ़र्टिलाइज़र पर अब आप जानते हैं कि मेरे पास कितने सारे प्लांट हैं और ये व्यू तो दिखाना बनता ही है आप लोगों को भी बहुत पसंद है तो इतने सारे प्लांट्स में मैं अपना मस्टर्ड वाला फर्टिलाइज

बहुत ही ज़्यादा जरूरी जहाँ से वो निकल रहे होते हैं आपको शो नहीं हो रहा है ये देखिए इस तरीके से आपको इस जो है इस... जो स्पेंड हो गए हैं उनको यहाँ से हटा ये नहीं कि नाखून से आपने यहाँ से हटा लिया इस तरीके से मत करिए से हटाइए इवन अगर आप पूजा के लिए भी ले रहे हैं फ्लावर्स तो इस तरीके से तोड़ के मत लीजिए मैं इसी से किसी को भी तोड़ने का खास करके अपने सीजनल फ्लावर्स को तोड़ने का मैंने किसी को नहीं कहा मैं ही तोड़ती हूँ तो तोड़ती हूँ इस तरीके से कट करना चाहिए नाखून से कट करने पे होता क्या है ना इनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है इसलिए बेस्ट सोल्यूशन है कि आप इस तरीके से कैची से ही काटा करें शार्प कट लगता है तो काफी ईजी होता है तो ये देखिए इस तरीके से आपको हटा देना होता है और ये जब आप हटा देते हैं ना तो जहां से आप कट करते हैं ना वहीं से दो तीन सूट्स और निकलते हैं और आपकी फ्लावरिंग होती रहती है अब कुछ लोग के कमेंट्स थे जो इसमें कॉमनली बेस्ट अटैक होता है वो तो या तो स्पाइडर माइट का होता है दूसरा थ्रिप्स का होता है तो ये दो के लिए सल्यूसन है कोई भी बेस्ट क्वालिटी का इंसेक्टिसाइड आप अपने आ, 15 टू 20 डेज पे करते रहिए वो बेस्ट है और जब जैसे अभी जो मैंने आ, सावन के महीने में लगाया था मतलब जुलाई के महीने में एक टाइम पीरियड होती है आपके कोई भी प्लांट की उससे ज्यादा वो नहीं चल सकते अगर चलेंगे तो उसमें पेस्ट अटैक या फ्लावरिंग का छोटा होना वो लाजमी है तो आपने मैंने मेरी क्यारियों में देखा है कि कितने प्यारे से उन्होंने फ्लावरिंग करी पर मैंने अभी सारे हटा दिए वो इसीलिए अब उनमें इतने अच्छे फ्लावर नहीं आएंगे तो आप जब भी विंटर फ्लावर की सीडलिंग करें तो थोड़े लॉट में करें कि एक आपने अभी लगाया जैसे ये मेरा थर्ड लॉट है इससे पहले मैंने दो लॉट लगा लिए हैं नहीं ये सेकंड लॉट है थर्ड लॉट मेरा वो देखिए वो लगाया ये देख रहे हैं ना तो कुछ कुछ दिनों पे आप फ्लावरिंग प्लांट के सीड डाला करें जैसे मैंने कुछ जुलाई में डाले उसको कटिंग के थ्रू भी लगाया उस समय आप कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं पर इस समय अब ये कटिंग से इतने अच्छे से नहीं लगेंगे तो इस तरीके से अगर आप भी करते हैं तो आपके भी मैरी गोल्ड बिल्कुल मेरे जैसे हो सकते हैं जो कि आप लोग के कमेंट थे तो चलिए फ्रेंड्स ओ पे आप लोग को मैंने सारे टॉपिक्स बता दिए लेकिन फिर भी कोई टॉपिक रह गया हो जी हाँ टाइप्स की मैं बात कर रही थी तो आपके सामने ये वाली वेराइटी अब एक बहुत ही खूबसूरत सी वेरायटी आ रही है रेड रंग की बिल्कुल सुर्ख लाल रंग का होता है तो वो भी आप अपने गार्डन में इंक्लूड कर सकते हैं वनीला कलर जो आता है वो भी ले सकते हैं उसकी सीडलिंग मैंने की थी पर इस बार वो ग्रो नहीं हुए इसलिए वो मेरे गार्डन में नहीं दिख रहे हैं नहीं तो लास्ट ईयर मैंने उसको भी ग्रो किया था और इस बार पानी बरसने की वजह से वो मेरे सीड ख़राब हो गए तो होप है फ्रेंड्स अब आपको सारे ही टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे तो आप लोग भी इसी तरीके से सीडलिंग करके आ, अपने गार्डन में इन मैरी गोल्ड्स को लगा सकते हैं या सीडलिंग नहीं की है तो अभी भी आप नर्सरी से प्लांट्स ले आइए और अपने गार्डन में इंक्लूड करिए ये मार्च तक और अप्रैल फर्स्ट वीक तक आराम से आपके गार्डन में रह सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स इसी टॉपिक के साथ में मैं आप सबसे ले रही हूँ विदा नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलूंगी ओके माय फ्रेंड्स बाय बाय हैप्पी गार्डनिंग एंड बी सेफ